करनी चाहिए, कैसे लोगों को शेयरिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को ड्रीम, और कहीं ना कहीं अगर नरेश जी की मैं बात करूं तो नरेश जी जो है मेरा ये लगता है कि वो मेरा ही एक रूप है, मेरे रूप के अंदर, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने करा, जो मैंने फाइट करी, वो भी अपनी, वो मैं भी एक प्राइवेट जॉब में था और वो भी प्राइवेट जॉब में, उन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ा, अभी डीएक्शन से उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सिस्टम पे लगे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि डीएक्शन एक दिन उनको एक बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएगी। तो आज के इस एपिसोड के जो हमारे मेन चीफ गेस्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनका क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। हम इनवाइट करेंगे नरेश शर्मा एंड तमन्ना जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग दीपक सर, मैम, राजीव भैया, सीमा भाभी, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग। डीएक्सएन में आज मैं अपनी मन की बात को शेयर करूंगी सबके साथ, और सर का, राजीव भैया का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी बात को शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं डीएक्सएन में जैसे है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, यानी कि सबसे पहले हर कोई डीएक्सएन में अपनी हेल्थ को लेकर आता है, हेल्थ से जुड़ता है, फिर वेल्थ, जब हेल्थ है, वेल्थ है, तो हैप्पीनेस है ही है। मैं भी डीएक्सएन में अपनी हेल्थ को लेकर ही जुड़ी थी। कुछ साल पहले मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी और वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, उसके चलते शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, टैबलेट थी बढ़ती जा रही थी, बॉडी में बहुत ज्यादा चेंज आ रहे थे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन मेरे हस्बैंड दीपक सर को हमारे घर लेके आए। हमारे घर में डीएक्सएन के प्रोडक्ट तो काफी टाइम से यूज हो रहे थे, पर हम प्रॉपर डोज के वे पे नहीं ले रहे थे कि डीएक्सएन से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकूं। यूज हम कर ही रहे थे, इसीलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम में फर्क था। दीपक सर आए, उन्होंने मुझे आरजीएल, 2-in-1 कॉफी, नोनी, ग्रीन टी को प्रॉपर वे से डोज बाय इंक्रीज करने के लिए कहा। मैंने डीएक्सएन के प्रोडक्ट को यूज किया। आफ्टर 3 मंथ में मैं स्टार्टिंग में पहले 150 की गोली लेती थी, जो बढ़ती बढ़ते बढ़ते बढ़ ही रही थी। उनके मैंने आरजीएल यूज किए, नोनी जूस यूज करने से आफ्टर 3 मंथ में मेरी गोली कम हो गई। मैं 150 से 100 पर आ गई, उसके बाद 75 पे, 50 पे, जहाँ से मेरी गोली शुरू हुई थी 25 mg से, आज मैं 25 mg पर ही आ गई हूँ ओनली 9th मंथ में। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि मेरी 25 की भी बंद हो जाएगी, और 25 की भी मैं रेगुलर नहीं ले रही हूँ, एक दिन मिस करने के बाद ले रही हूँ। थायराइड के चलते मेरी बॉडी में बहुत सिम्टम थे, मेरी टांगों में बहुत पेन होता था, गांठे थी, बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, थकान बहुत होती थी, चिड़चिड़ापन था, पर रिलीफ कहीं भी नहीं था। पर अब मेरी बॉडी में थायराइड का कोई भी साइन नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह सकती अब कि थायराइड करके मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं, काफी हद तक थायराइड करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व हुई है आजकल। और इसके साथ साथ हम अपने घर में डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आजकल का जैसा टाइम चल रहा है कोरोना का, आप सब जानते ही हैं, आजकल डॉक्टर के पास जाना सेफ नहीं है, और मौसम के अकॉर्डिंग छोटा मोटा फीवर, बच्चों को पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे अपने घर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। हम डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करके ही अपनी फैमिली की हेल्थ की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। आप सोचिए कि जिस फैमिली में हेल्थ का इशू ना हो, हर इंसान स्वस्थ हो, तो क्या फैमिली में हेल्थ हैप्पीनेस नहीं होगी? वेल्थ आएगी, सेकंड मैटर है, पर कई बार क्या होता है कि हम हेल्थ के लिए अपनी वेल्थ को गवा देते हैं।
या क्या कर या क्या होता है, वेल्थ को कमाते कमाते हमारी हेल्थ नहीं रहती, यानी कि दो अगर हम किसी और चीज से जुड़ते हैं, अगर हेल्थ है तो वेल्थ नहीं होती, वेल्थ को कमाने में इतना इंक्लूड हो जाते हैं कि दोबारा से हमें अपनी हेल्थ वेल्थ को यूज करना पड़ता है अपनी हेल्थ को करने के लिए। यानी कि इंसान को हैप्पीनेस कहाँ आएगी, जब हेल्थ थी तो वेल्थ कमाने में गुजार दी, और जब हमारे पास वेल्थ आ गई है तो अब हेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं आ सकती। डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हेल्थ भी मिल रही है और वेल्थ भी, इसीलिए हैप्पीनेस है। मैंने अपने घर में कई चीजों से, जैसे हमारे बच्चों को कई बार पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई प्रॉब्लम आई, तो उसमें मैंने पेस्ट और लेमन टी को यूज किया बॉडी में। अगर मुझे कई बार बॉडी में बहुत थकान होती तो अगर मैं 5 या 6 कप 2-in-1 कॉफी यूज करूँ तो लगता ही नहीं है कि मुझे कोई थकान है। पहले क्या होता था कि एक काम किया बहुत थकान फील होती थी, पर अब नहीं होती। डीएक्सएन का यूज हमारी फैमिली में बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। कई बार क्या होता है, हमने कईयों को कहा भी डीएक्सएन का ये प्रोडक्ट है, उनको बताया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इंसान बहुत कतराता है लेने से, पर जैसे सर ने कहा ना कि डीएक्सएन एक फैमिली बिजनेस है, तो हाँ डीएक्सएन एक फैमिली बिजनेस ही है। पहले स्टार्टिंग में घर का एक मेंबर भी यूज करते हुए बहुत आनाकानी करता था भी, एक लेंगे उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज करेंगे, पर हमने 2-3 फैमिलियों में अभी ये रिजल्ट पाया है कि जब एक इंसान अपने घर में प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है जिस घर में, धीरे धीरे उस घर में सभी लोग डीएक्सएन के प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं। और इवन दैट कुछ टाइम तो ऐसा आता है कि वो चाहते हैं कि हम डीएक्सएन में काम करें, यानी कि इंसान को इतनी अच्छी फील आती है कि हम अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं और इससे मोरों का भी कर सकते हैं। तो डीएक्सएन वास्तव में ही एक फैमिली बिजनेस है। डीएक्सएन के द्वारा मैंने अब हेल्थ तो इंक्रीज हो चुकी है हमारे घर की, हेल्थ पाई है जिससे हैप्पीनेस तो है ही, पर अब हमारा अगला टारगेट है वेल्थ, क्योंकि हेल्थ के साथ अगर वेल्थ हो तो हैप्पीनेस कई गुना बढ़ जाती है। मैं अपनी डीएक्सएन के प्रति इतने अच्छे विचार का सार श्रेय देना चाहूंगी अपने हस्बैंड को दीपक, क्योंकि वही दीपक सर को हमारे घर लेकर आए थे। मैं दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनके बदौलत ही उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया जिससे आज मैं अपने मन की बात सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि हर कोई घर की, अगर लेडीज सही है, अगर लेडी स्वस्थ है तो वो अपने घर की पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है। स्टार्टिंग में जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो एक चिड़चिड़ापन माहौल, एक खुशी नहीं होती, पर धीरे धीरे जब लेडीज रेगुलर होती है तो वो अपने बच्चों को भी देगी, अपने सबको देगी, अपने घर में हर किसी को डीएक्सएन यूज कराएगी जैसा कि मैंने किया। आज मैं डीएक्सएन को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि हमारे घर में हेल्थ अच्छी है, हमारे घर के बच्चे भी इसे यूज करते हैं। मेरी गुड़िया के बाल ना कर्ली थे तो हमने कई, जैसे कहते हैं ना भी घी का तेल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पर वो कर्ल ठीक नहीं आ रही, बाल स्मूद नहीं थे। डीएक्सएन के शैम्पू यूज करने से उसके बाल 82-85% तक बहुत अच्छे हो गए हैं। सब कहते हैं, कई बार क्या हुआ, एक बार ना फेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत फेस का इश्यू आया, और लेडीज के लिए फेस प्रॉब्लम को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लेडीज और चीजों को तो कर लेती है पर फेस मेन, क्योंकि हर लेडीज अपने फेस को और चीजों के कंपैरिजन में ज्यादा महत्व देती है। मेरे फेस पे इतनी प्रॉब्लम आई थी कि मुझे कई हमारे नियर डियर ने कहा कि भाभी ये क्या हो गया, आप क्या यूज करते रहते हो, भाई क्या है, कौन से प्रोडक्ट ले रहे हो आप दिखाओ, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, आप इन चक्करों में ना पड़ो, अब ये जो आपके फेस पे हो गया है वो ठीक नहीं होगा, एक्ने रहेंगे, ये रहेगा। मैं सर से, मैं दीपक सर से बार बार बात करती कि सर ये कैसे ठीक होंगे, सर ये कैसे ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, पर कहीं ना कहीं मैं इतनी परेशान हुई थी कि मैं रोती थी कि भाई कैसे ठीक होंगे। कहीं बाहर जाना होता था तो पूरा अवॉइड करती थी, कोई फैमिली फंक्शन है जहां तक अभी मैं, मुझे नहीं जाना, ये सिचुएशन रहती थी। पर धीरे धीरे डीएक्सएन के यूज से ही, डीएक्सएन के फेस वॉश से ही मेरी स्किन अब बिल्कुल क्लियर है, और जो ये कहते थे ना कि भी होगी ही नहीं ठीक है, तो
आज वही कहते हैं भाभी क्या यूज किया था, आप तो सच कह रहे थे, हम ही कह रहे थे आपको कि नहीं ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं, वाकई ये तो ठीक हो गया है। मैं कहना चाहूंगी कि जिसका इलाज कहीं नहीं है, जो डिसीज कहीं क्योर नहीं होती, वो DHL में होती है। क्योंकि हर आजकल क्या है, मेरी मदर इन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, काफी टाइम हो गया उन्होंने बीपी की गोली छोड़ दी। जब डॉक्टर बीपी की, थायराइड की, इनकी टैबलेट लगाते हैं, तो हम उससे ये क्वेश्चन करते ही नहीं है कि सर ये कब तक लेनी है, कैसे चलेगा, नहीं, उसने लगा दी। हमारा माइंड वहीं पर ही सेट हो जाता है कि जब तक हम हैं हमने ये टैबलेट खानी ही खानी है, लेनी ही लेनी है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ऐसे ही सबके साथ होता है। मगर DHL ही ऐसा है जिसे रेगुलर कुछ महीने यूज करने के बाद हम इन टैबलेट को छोड़ सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उससे जाके पूछो जिसकी थायराइड बीपी की गोली जिसने सालों साल खाई है, वो कितनी खुशी से बताएगा कि नहीं सर आज मैं ये गोली नहीं खाती, आज मेरी ये बंद हो गई है। क्योंकि बंद तो हो गई है, पर उसके खाने के साथ साथ अगर हम थायराइड बीपी शुगर या किसी भी ऐसी क्रोनिकल डिसीज की अगर टैबलेट काफी लंबे समय तक खाते हैं, हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। क्योंकि खा रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, बस चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। पर अगर कुछ टाइम खाने के बाद जब DHL से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, और जिनको खाते रहने के करके वो प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई, पर धीरे धीरे क्या होता है कि उसको रेगुलर खाने से हमें और ज्यादा डिसीज आ जाती है, तो वो भी बच गई, प्लस जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम भी हट गई। तो ये सब DHL के अंदर ही मुमकिन है। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए DHL में हर इंसान हेल्दी है और हैप्पीनेस तो है ही है। अब मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे DHL से जोड़ा और जिसके करके मैंने DHL से इतना एक्सपीरियंस लिया, अपने घर में भी यूज कर रहे हैं। अब मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी और साथ ही दोबारा राजीव भैया, सीमा भाभी, दीपक सर, मैम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू। मिनट च क्लोज करती तुसी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कहूंगा। मेरा नाम नरेश कुमार है। सॉरी नरेश जी, सॉरी, आपने थोड़ा नहीं देना, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। नहीं, पूरी दूंगा मैं। आज 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 दिन आपका पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है जी, ठीक है, जरूर जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी, मैं राजपुरा से हूँ और मैं 2013 में जुड़ा था DHL से अपनी सिस्टर के कारण। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, दो सिजेरियन हुए थे उनके। तो हमारे राजपुरा में गुरचरण जी हैं, बहुत ही अच्छे, और हमारे लिए तो वही सबसे पहले उन्होंने ही हमें इन प्रोडक्ट की नॉलेज दी थी और उन्होंने ही हमें वहां पे रिजल्ट दिखाया था। जो मेरी सिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, तो उनके काफी पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, टांगों में पेन हो रहा था। तो मैंने उनको कहा भी दीदी आपने ठीक होना है, तो वो कहते हाँ। तो मैं उनको गुरचरण जी के यहाँ लेके गया और हम वहां जाके बैठे। गुरचरण जी ने हमें बहुत अच्छे तरह अटेंड किया, प्रोडक्ट की नॉलेज दी, प्रोडक्ट टेस्ट कराया। उसी के रिजल्ट से हमने वहां 2 कप कॉफी पी और घर पे आ गए। घर पे आए तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, हाँ जी दीदी लेना है? वो कहते लेना तो है, मेरे को उसका आराम ये आया है कि जो मैं बीपी की गोली ले रही थी, आज मैंने नहीं ली थी, उसके कारण मेरी बॉडी में काफी पेन था, हेडेक था, अब वो ठीक हो गया है। तो हमें उसी दिन ही DHL पे, जैसे कहते हैं ना भी भगवान किसी को
कोई अच्छी चीज देना चाहता हो तो कोई माध्यम बना देता है। तो ऐसे गुरचरण जी के माध्यम से हम इसमें जुड़े और इन्होंने हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया, और 2013 से लेके 2015 तक हमें प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता रहा। 2015 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा लगाया, तो उस समय हमें थोड़ी सी समय दिक्कत आई, पर हमारे पास उस टाइम भी प्रोडक्ट, हम स्टोर करके रखते थे हमेशा प्रोडक्ट शुरू से ही, तो हमें उस टाइम भी प्रोडक्ट मिला थोड़ा, जिससे कि हम सर्वाइव करते रहे। अब हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करते हैं और काफी लोगों को भी बताते हैं, जिससे कि काफी लोग अच्छे भी हो रहे हैं। जैसे गुरचरण जी ने हमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराया, हम सबसे ज्यादा थैंक्स तो डॉक्टर लिम का करना चाहते हैं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया और हम सबको प्रोवाइड करवाया। और इस शब्द में वैसे भी हमारी माँ कभी भी किसी का अहित नहीं चाहती, ऐसे ही हमारी FDA अकेली ऐसी कंपनी है जो खुद बना रही है, खुद बेच रही है, खुद का प्लान है और खुद के प्लांट है। ये गैनोडर्मा ही ऐसी है जो सबके बच्चों का, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे सृष्टि में पॉपुलेशन में लोग हैं जिनको ठीक कर रही है, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी कोई होप नहीं होती, किसी को कोई सिजेरियन होना होता है उससे बचा रही है, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं सबसे बढ़िया हैं। और जो हम, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है, मुझे इनकम चाहे काम आती है पर मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से काफी रिलैक्स फील करता हूँ कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा। और एक ऐसी ही कंपनी एक यही है जहाँ पे हमें ब्लैक मिलती है, नहीं तो नेटवर्कर को गालियां ही मिलती हैं हमेशा। वो कहता है कि वो आया था, प्रोडक्ट चेप गया, 10,000 का माल दे गया, ना बिका ना खाया, अगर खाया तो रिजल्ट नहीं आया। पर हमारे एक साबुन में भी इतनी पावर है कि अगर किसी के घर पे रात को रखा है तो वो उसको अपने बीपी को एक साबुन से भी नॉर्मल कर सकता है। जब हम लोगों से ये बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं साबुन से पागल हो तुम, हम कहते हैं आप एक बार इसको चेक करके देखिए। अब जब भी कभी किसी का बीपी बढ़ाओ, साबुन ले, ठंडे पानी से पैर धो के उसको हल्की से हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करके छोड़ दे, वॉश करे, बीपी भी नॉर्मल होगा उससे। और हर प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, और डॉक्टर लिम हमारे लिए इतना सोचते हैं। अभी एक हमारे पास गैनोडर्मा तो था ही था जिसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू 24,000 है, जिससे ऊपर किसी की वैल्यू ही नहीं है। और उन्होंने एक अब नई हर्ब आई थी जो थी कोर्डिसेप्स, वो भी डॉक्टर साहब ने साथ के साथ रजिस्टर्ड करके हमें एक कॉफी के रूप में प्रोवाइड कराई कि जिससे कि हमारी हेल्थ वेल्थ दोनों पे इफेक्ट पड़े। जो लोगों को कोर्डिसेप्स का भी नहीं पता था वो लोगों ने कोर्डिसेप्स कॉफी लेनी शुरू करी, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट हैं। यानी कि प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी जितनी ही ट्रस्टफुल है और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती है, जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं और कोई कंपनी नहीं सोचती, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारे ना तो कभी पीवी खराब करने जाने देती है, ना हमारा कभी हमारे से किसी तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है, ना ही हमारी आईडी जो आम तौर पर देखा गया है नेटवर्क कंपनी में आती है ये दिक्कत। जो सीनियर होता है वो अपनी मर्जी से आईडियां इधर उधर करवा लेता है, पर ये ऐसी कंपनी है किसी की आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इवन तक कि फोरन में भी जाके हमें यही की यही आईडी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है जो DHN में है। कुछ लोगों को अभी इसका नहीं पता होगा, पर अगर नहीं पता तो अब आप जान लो कि ये अगर आप कल को फोरन में शिफ्ट हो जाते हो तो वहां पे भी आप काम करना चाहते हो, आप ये सिंगल आईडी से आप वहां पे भी काम कर सकते हो। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो आपको फोरन में भी यही आईडी पे काम करने दे। प्रोडक्ट के इतने रिजल्ट हैं, कि मैं अगर आपसे एक शेयर करूं, एक बार किसी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, बॉडी में काफी ज्यादा दर्द था उनकी, उन्होंने मुझे कहा कि नरेश जी आप कहते हो भी आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैंने कहा सर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, पर अच्छे उनके लिए हैं जिन्होंने यूज किए हैं, जिन्होंने यूज नहीं किए उनके तौर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा भी मुझे आप कोई टेस्ट कराओ, मैंने उनको 2-in-1 कॉफी दी। 2-in-1 कॉफी उनको पिलाते ही इतना अच्छा रिजल्ट आया, उनको आधे घंटे बाद कहते कि आप मुझे ये पैकेट पूरा ही प्रोवाइड करा के दो, तब मन को इतना अच्छा लगता है। और ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे फैमिली बिजनेस होता है, उसका रीजन क्या है कि हम लोगों के दुखों को काटते हैं। डॉक्टर लिम की जो बनाई हुई ये सारी थेरेपी केस है, जो कि हमें आजकल तो हम गैनो थेरेपी भी कह रहे हैं। अब देखो कोरोना के टाइम में भी लोग ऑक्सीजन का अकेले 42,000 45,000 रुपए पर डे दे रहे हैं, जो हमारी सिर्फ
4.5 रुपए की एक गोली पड़ती है, एक कैप्सूल पड़ता है स्पिरुलिना, तो 4 कैप्सूल खा के भी हम अपनी बॉडी को साथ के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं हर प्रोडक्ट। और एक यही कंपनी है जिसका सिंगल डे बेबी से लेके 100 ईयर ओल्ड पर्सन तक को बिना किसी हिचकिचाहट के आप ये यूज करा सकते हो। एडोप्टजन फूड है, अच्छे फूड है, नेचुरल है, ना कोई कलर है, ना कोई प्रिजर्वेटिव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनोडर्मा लूसीडम से बने हुए हैं, जो किंग ऑफ द हर्ब है, जिससे ऊपर कोई हर्ब ही नहीं। और हर प्रोडक्ट की रेंज इवन तक कि अभी हमने इसका हम टेलकम पाउडर यूज करते हैं, बहुत बढ़िया पाउडर है, इसके साथ का टेलकम पाउडर हमने कभी भी यूज किया, पहले भी यूज कर रहे थे हम, पर जो डीएक्शन के टेलकम पाउडर में क्वालिटी है वो किसी में नहीं है। यानी कि डॉक्टर साहब की ये सबसे बढ़िया बात है, ये क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे उनको नुकसान हो रहा हो फिर भी वो कहेंगे कि नहीं, हमारे जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे, चाहे कोई छोटे से छोटा भी है, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करे तो उसको रिजल्ट अच्छा आए, और उसके उसके मन से एक अच्छी बात निकले कि जो डीएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में एक और है, यहाँ पे दिखावा नहीं किया जाता, कि लोग दिखावा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि बाद में उनको लोग गालियां ही देते हैं कि वो आए थे हमारे को सामान ऐसे करके दे गए, वैसे करके दिखा दिखा के, ऐसा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर लिन की जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि हमारा कंपटीटर कोई नहीं है, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप उसके बारे में सबको बताओ, दूसरे की आप बिल्कुल भी किसी की कोई बुराई ना करो प्रोडक्ट की, क्योंकि हर बंदा काम कर रहा है। उस हमारे जो राजपुरा में भी गुरचरण जी हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा टीम को जोड़ के चलते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उन पर्सन की कम है। वो पंजाब के ऐसे शेर हैं, जो कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, मैंने जितना लिटरेचर डीएक्शन में सुना है या देखा है या पढ़ा है वो किसी के पास नहीं है इतनी नॉलेज। हमारे गुरु जी हैं दीपक जी, उनके पास नॉलेज का भंडार है, हम तो उनको कहते हैं कि सर वो गूगल है, उनके पास कुछ भी पूछो आप साथ के साथ, और ऐसे नहीं कि बात करते हैं, नहीं, लॉजिकली बात करते हैं, रिजल्ट कहते हैं। और उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र है, हम ऐसे हर किसी के ऊपर नहीं चला सकते, जो उनकी वर्डिंग है वो ऐसी वर्डिंग कहते हैं जिससे कि हमारे को बहुत अप्रिशिएट होते हैं। हम कई बार हम डिमोटिवेट हो रहे हो तो हम उनसे जब बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है, जिससे हमें काम करने में काफी अच्छा लगता है। बस राजीव जी और कुछ? हेलो, हाँ जी नरेश जी, बहुत बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने पास आउट की, बहुत अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू जी, आपके आशीर्वाद से हुआ है, जो अच्छी टीम है हमारे, अच्छे मोटिवेटर हैं, उनकी वजह से है, और बाकी तो जो देखो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं वो सबके सामने हैं, जिसने भी यू इवन तक की। हाँ जी बोलो बोलो। मैंने कहा क्योंकि आज मैं आपको अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात बताता हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड की शॉप पे गया तो मैंने डीएक्शन के कुछ मेरी पिक्स थी मोबाइल में, तो वो मैं स्लाइडिंग कर रहा था तो वो कहते हैं सर आप डीएक्शन में काम करते हो, मैंने कहा नहीं मैं काम नहीं, मेरी जॉब नहीं है, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ सेवा के रूप में। तो वो कहते हैं सर मैं इससे 2018 में जुड़ा था अपनी वाइफ के कारण, उनके वाइफ काफ़ी ओवरवेट थे, कहते सर आपके दो ये डीएक्शन के मैं दो चीज़ें यूज करता हूँ, एक ऋषि गैनो टी, क्योंकि हमारी जो टी है वो सीटीसी बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है ये, और बाकी मार्केट में जितनी भी चाय आ रही है वो एक्चुअल में चाय है ही नहीं। आप छोटी सी एक स्टोरी है मैं बताता हूँ, जब लोग अंग्रेज लोग आए थे, अब जो कोरोना महामारी फैली है ऐसी महामारी पहले फैली थी जो जिस समय अंग्रेजों ने भारत की तरफ मूव किया था, वहां पे पानी भी पीने लायक नहीं रहा था, और जब ये यहाँ पे आके रहे ठंडे बगानों वाले एरियों में जैसे असम में, तो इन्होंने जो ये लीफ की चाय पी तो इनको इतना अच्छा लगा, इतनी इनकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट होने लगा, ये लोग यहाँ पे आए थे अपना बचाव करने और परमानेंटली यहाँ पे राज करके रहने लगे, कि यहाँ तो जड़ी बूटियों का खजाना है, जिसके यहाँ की चाय पत्ती में इतनी पावर है तो और चीजों में कितनी ताकत होगी। तो वो मैं बात वही चाय पत्ती की कर रहा हूँ दोबारा से, वो चाय पिलाकर वो सरदार जी मुझे कहने लगे कि सर मैं अपनी एक चाय पत्ती के नाल ही अपनी वाइफ का 15 किलो वेट कम किया है, और अपना भी जो भी मेरा वेट खुद का भी लूज हुआ है, मैं आपके दो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, एक चाय पत्ती
और एक आपकी गैनोजी टूथपेस्ट, ये दो चीजों के मैंने बहुत रिजल्ट लिए हैं। और वो बंदा इतना खुश हो रहा था बताते हुए कि कहता मैंने गांव में जो ओल्ड एज होते हैं जो डंडी का सहारा लेके चलते थे वो भी सीधे हो गए, कहते उनकी ब्लेसिंग भी मुझे मिलती है। तो देखो हम कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं कि हमें लोगों की ब्लेसिंग मिलती है। जो कंपनी का फॉर्म प्लान है वो तो है ही है, पर किसी और कंपनी में ये चीजें कभी भी नहीं मिल सकती। और मैं तो बहुत थैंक्स करता हूँ गुरचरण जी का, राजीव भाई जी का, भाभी जी का, गुरु जी का और उनके वाइफ का, बहुत बहुत थैंक्स है जिन्होंने हमें इस प्रोडक्ट के साथ जोड़े रखा और आज भी हमें आगे चलने का एक राह दे रहे हैं। कि आजकल नहीं तो लोग पैसे दे के भी किसी को सही राह नहीं देते, ये बिना पैसे के हमें राह दे रहे हैं जिससे कि हम खुद भी आगे चलेंगे और लोगों को भी भला करने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू गैनोडर्मा, थैंक यू ऑल ऑफ टीम, और आज जितने लोग भी आज अटैच हुए हैं हमारे साथ ये सब लोग भाग्यशाली हैं कि ये डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और लोगों को यूज करा रहे हैं। मैं सबके लिए अपनी तरफ से तहे दिल से क्लैपिंग करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसमें कोई नापतीपन नहीं है। तो मैं चाहूंगी गुरुजी को इनवाइट करना कि वो भी आपके जो आपने आज इंफॉर्मेशन पास आउट की उसके ऊपर दो शब्द कहें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। हर घर में जैसा नरेश जी ने और तमन्ना जी ने आज प्रेजेंटेशन दिया है, अभी सारे लोगों में ये मोटिवेशन आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर परिवार इस तरीके से आए और अपने बारे में बताए और अपना प्रेजेंटेशन दे। जब हम बार बार गैनोडर्मा की बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, दुनिया में कोई ऐसी हर्ब नहीं है जो माँ के तरीके से पोषण दे सकती है, क्योंकि गैनोडर्मा ही एक ऐसा है जिसके आगे माँ शब्द है। माँ शब्द दुनिया में किसी हर्ब के साथ नहीं है। अगर इसके बाद भी हमारी समझ में ना आए तो इससे ज्यादा और बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गैनोडर्मा ही है, माँ जैसे पोषण देती है वैसे पोषण गैनोडर्मा ही दे सकता है, क्योंकि कुदरत ने खुद इसके नाम के आगे माँ लगाया है। तो ये हमें माँ के तरीके से वो सब कुछ देने में समर्थ है जो माँ हमारी चाहती है। माँ हमारी चाहती है कि हम हेल्दी रहें, हम वेल्दी हों और हम खुशहाल रहें। तो इसीलिए गैनोडर्मा के साथ बने रहिए, गैनोडर्मा के साथ आगे बढ़ते रहिए, यही वो रास्ता है जो हमें सब कुछ देने में समर्थ है। ये एक अलादीन का चिराग है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको सत्य की राह पर चलना पड़ेगा, आपको हर किसी को एक समान समझना पड़ेगा और वो सत्य हमें आगे लेके जाएगा। दुनिया में कोई हमें आगे जाने से नहीं रोक पाएगा यदि हम माँ का सम्मान करें और माँ के जो नियम है, जो माँ को मानने के नियम है, उस पर हम पालन करते रहें। इसके साथ ही मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। को क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू गुरुजी और नरेश जी, तमन्ना जी, हम लोगों की डीएक्शन परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तो डीएक्शन का जो सबसे बड़ा जो लेबल है क्राउन एम्बेसडर, आप उस क्राउन एम्बेसडर को लेबल जल्द से जल्द अचीव करेंगे, जो आपके अपनी फैमिली के ड्रीम है, जो आपके बच्चों के ड्रीम है, जो आपकी मदर के ड्रीम है, क्योंकि आपके पास दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली आप हैं जिसके पास माँ है। जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है, माँ के साथ में आपके पास गैनोडर्मा आएगी। तो हम लोगों की दो माँ हैं। हाँ, आपके पास दो माँ, मैं तो पहले ही कह दिया कि आपके पास दो माँ है। जिसके पास दो माँ है उसको तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों की दोबारा से आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए आज की जो मीटिंग थी बहुत एक यूनिक थी, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, दोनों ने बड़ा अच्छा मैसेज पास करा। तो ये सब जितने लोग सुन रहे हैं ये डुप्लीकेट ही होगी, आपको देख के आने वाले टाइम में सभी लोग अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ साथ दोनों आएंगे, अपने परिवार के साथ अपनी मन की बात करेंगे और अपने जो लक्ष्य है हमारा उसको हम निर्धारित करेंगे। तो आप अंत में हम लोगों का विदाई का टाइम है, टाइम पूरा हो चुका है, तो हम
सभी लोग मिलके अपना माइक ऑन करके आज के इस कपल को जो है थैंक्स करेंगे, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मीटिंग की सबसे खासियत ये रही कि आज इनका सारा परिवार, इनके सर, इनके मामा मामी सभी लोग इनके साथ आज उनको जुड़े रहे, तो बड़ा एक अच्छा लगा कि आज सारे परिवार के सभी लोग एक साथ क्लब हुए और माता रानी आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बरसे।